ऑलराउंडर्स तो बहुत होते हैं, पर ऐसे ऑलराउंडर्स जिनकी किस्मत ह्यूमैनिटी को लीड करना हो उन्हें डाइवर्जेंट कहते हैं। दुनिया की सबसे बेहतरीन यंग एडल्ट साइंस फिक्शन डिस्टोपियन कहानी में से एक पर बेस्ड डाइवर्जेंट मूवी ट्रिलॉजी अपने एक्शन, विजुअल इफेक्ट्स और ह्यूमैनिटी के एक नए और अनोखे कहानी की वजह से दुनिया भर के लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और स्पेशली हमारे सब्सक्राइबर्स के बीच में, जहाँ पर हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने इस टॉपिक को हमें कई बार सजेस्ट किया है, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही ऑसम टॉपिक को सजेस्ट करते रहिए और हम वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए इसी नोट पर जान लेते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द डाइवर्जेंट मूवी सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि इस कहानी को मूवीज के अंदर लिखना इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों था, शैलिन वुडली से पहले कौन सी एक्ट्रेस ट्रिस का रोल प्ले करने वाली थी, क्यों सेकंड मूवी के अंदर ट्रिस के स्टाइल को पूरा का पूरा बदल दिया गया था, क्या क्या है कुछ मेजर डिफरेंसेस बुक्स और मूवीज के बीच में, और क्या थी इसकी चौथी मूवी जो कभी बन ही नहीं पाई। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डाइवर्जेंट मूवी ट्रिलॉजी बेस्ड है इसी नाम की यंग एडल्ट अमेरिकन साइंस फिक्शन डिस्टोपियन नॉवेल पर, जिसे अमेरिकन नॉवलिस्ट वेरोनिका एन रॉथ ने लिखा है। इसकी पहली किताब की सन 2013 तक 6.7 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं, जिनमें से 4.7 मिलियन फिजिकल कॉपी और 2 मिलियन डिजिटल कॉपीज हैं। इसे 2011 के गुड रीडर्स चॉइस अवार्ड में फेवरेट बुक का भी अवार्ड मिल चुका है, और तो और 2014 में इसे यंग रीडर्स चॉइस अवार्ड भी मिल चुका है। इस बुक के इसी सक्सेस को देखते हुए 2011 में समिट एंटरटेनमेंट ने इसके राइट्स खरीद लिए और फाइनली नील बर्गर को इस मूवी को डायरेक्ट करने का जिम्मा सौंप दिया। इस मूवी को स्क्रिप्ट राइटर इवान डगर्थी ने एक और स्क्रिप्ट राइटर वेनेसा टेलर के साथ मिलकर लिखा है, लेकिन इनके हिसाब से बुक से सीधा मूवी में चीजों को उतारना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जहां पर इंडिविजुअल कैरेक्टर्स और उनके बीच के रिलेशनशिप को समझाना एक बहुत बड़ा चैलेंज तो था ही, साथ ही साथ इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों को एस्टैब्लिश भी करना था, जिनमें शामिल थे अलग अलग फैक्शंस, डाइवर्जेंट, इसकी लीड ट्रिस और फैक्शनलेस। ऑब्वियसली इन सारी की सारी चीजों को 2 घंटे की मूवी के अंदर अंदर कंप्रेस करने में किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक रहा। यहाँ तक इसकी राइटर वेरोनिका रॉथ को भी इस मूवी की स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पसंद आई। ट्रिस का रोल प्ले किया है अमेरिकन एक्ट्रेस शैलिन वुडली ने, जिन्हें जब ये रोल पहले ऑफर किया गया था तो उन्होंने इस रोल को रिफ्यूज कर दिया था, और उन्होंने अमेरिकन एक्ट्रेस जेनिफर लॉरेंस को इस रोल के लिए सजेस्ट किया था, जो पहले ही एक और यंग एडल्ट साइंस फिक्शन डिस्टोपियन नॉवेल द हंगर गेम्स में इसकी लीड कैटनिस एवरडीन का रोल प्ले कर चुकी हैं। इसीलिए जेनिफर लॉरेंस ने अपनी ओर से शैलिन वुडली को इस रोल के लिए कन्विंस किया, जिसे वो करने के लिए इवेंचुअली मानी गईं। वहीं पर माइल्स टेलर, जिन्होंने पीटर का रोल प्ले किया है, उन्होंने पहले 4 के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उस समय उन्हें ये रोल नहीं दिया गया। महीनों बाद जब फिल्म मेकर्स ने उनकी 2013 की मूवी द स्पेक्टेकुलर नाउ देखी तो उन्हें एरिक का रोल ऑफर किया गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो 4 के सामने ज्यादा डरावने नहीं लग रहे थे, इसीलिए उन्होंने इस रोल को खुद ही मना कर दिया। फाइनली उन्हें पीटर का रोल ऑफर किया गया। इस सीरीज की पहली मूवी के बनने के दौरान रीडर से इस मूवी को बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रखा गया था, इसीलिए जब इस फिल्म को पब्लिकली शूट किया जाता था तो इस मूवी के टाइटल को कास्ट और क्रू कैट बर्ड बुलाते थे। वैसे इस सीरीज के पूरे इंटीरियर्स की शूटिंग शिकागो के ही सिनेस्केप शिकागो फिल्म स्टूडियोज में हुई है, जहां पर इसके मेजॉरिटी इंटीरियर शॉट्स को फिल्माया गया है। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि इस मूवी ट्रिलॉजी के अंदर स्टंट्स के लिए बहुत ही कम स्टंट डबल्स का इस्तेमाल किया गया है, और मेजॉरिटी स्टंट्स को एक्टर्स ने खुद ही किया है। इसके ऊपर से मूवी में दिखने वाले स्टंट्स के लिए अच्छी खासी ट्रेनिंग लगती है, जिसमें 3 महीने तक का वक्त लग सकता है, लेकिन कास्ट और क्रू को सिर्फ और सिर्फ 5 हफ्तों का वक्त दिया गया था, जिसमें शैलिन वुडली ने रियल लाइफ LAPD ऑफिसर से फायर आर्म्स और वेपन्स की ट्रेनिंग ली थी। और तो और सारे के सारे कास्ट को कॉम्बैट ट्रेनिंग के ऊपर से कार्डियो एक्सरसाइज और 15 मिनट की नाइफ ट्रेनिंग डेली दी जाती थी। अगर आपको भी लगता है कि इस मूवी के अंदर डिस्टोपियन वेस्टलैंड को दिखाने के लिए CGI और VFX का इस्तेमाल किया गया है, तो आप बहुत हद तक गलत हैं, क्योंकि इन लोकेशंस पर शूटिंग करने के लिए शिकागो की कई सारी अबैंडन्ड बिल्डिंग्स का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें शिकागो के 19वीं शताब्दी के इंडस्ट्रियल एरा में बनाया गया था, और बाद में इन्हें ऐसे ही अबैंडन कर दिया गया। इसके अलावा कई सारे आउटडोर मूवी सेट्स को भी बनाया गया। शिकागो के कई लैंडमार्क्स पर शूटिंग भी की गई और मूवी के अंदर दिखने वाला मोनोरेल स्पेशली मूवी के लिए बनाया गया। अगर आपको भी ये बात अजीब लगी थी
कि ट्रिस का स्टाइल सेकंड मूवी के अंदर इतना ज्यादा क्यों बदल दिया गया, तो इसका एक कारण है। शैलिन वुडली उस समय इंसर्जेंट के साथ साथ 2014 में आई द फॉल्ट इन आवर स्टार मूवी की भी शूटिंग कर रही थी, जिसमें उन्होंने हेजल ग्रेस लैंकास्टर का रोल प्ले किया है। और बेसिकली इस मूवी के अंदर उनकी कैरेक्टर एक कैंसर पेशेंट थी। वैसे ये मूवी तो बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन इसमें बस एक अजीब बात है। इस मूवी के अंदर एंसेल एलगॉट ने शैलिन वुडली के कैरेक्टर के लवर का रोल प्ले किया है, और डाइवर्जेंट मूवीज के अंदर वो उनके कैरेक्टर के भाई के रूप में नजर आए हैं। थ्रू आउट द सीरीज आपको जहां पर भी ट्रिस की इनर वॉइस सुनाई देती है, वो बेसिकली शैलिन वुडली की खुद की वॉइस नहीं है, और ये वॉइस बेसिकली इंग्लिश पॉप स्टार एली गोल्डिंग की है, जिन्होंने मूवी के लिए रिकॉर्डिंग की थी, और इन वॉइस सैंपल्स को शैलिन वुडली की आवाज के हिसाब से ही अल्टर किया गया है। डाइवर्जेंट मूवी के अंदर एडवर्ड का रोल प्ले करने वाले बेन लैम हमें इसकी सेकंड मूवी के अंदर भी दिखने वाले थे, लेकिन 2016 की ब्लड ऑरेंज मूवी को करने के लिए उन्होंने इस रोल को छोड़ दिया, जिसके कारण उनके कैरेक्टर के लिए एक नया एक्टर कास्ट करने के बजाय उनके पूरे के पूरे कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया गया, जहां पर उनके कैरेक्टर की जगह पर एडगर को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे जॉनी वेस्टर्न ने प्ले किया। पहली और दूसरी मूवी के अंदर एरोडाइट फैक्शन लीडर जेनिन मैथ्यूज का रोल प्ले करने वाली केट विंसलेट पहली मूवी के शूट के दौरान 5 मंथ प्रेग्नेंट थी, जिसके कारण पहली मूवी के अंदर कई सारे शॉट्स में उनके वेस्ट के ऊपर का हिस्सा ही दिखाया गया है। साथ ही साथ उनके बेबी बम्प को छुपाने के लिए मूवी के अंदर कई सारे प्रॉप्स का भी इस्तेमाल किया गया है। पहली मूवी में दिखने के बाद उनका कैरेक्टर हमें सेकंड मूवी के अंदर भी दिखा, और शायद आपको ये बात न मालूम हो, पर ये केट विंसलेट की सबसे पहली सीक्वल मूवी थी जिसमें उन्होंने कभी काम किया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बात जरूर सोची होगी कि इस ट्रिलॉजी का टाइम पीरियड आखिर है क्या, और ये कहानी फ्यूचर में आखिर कितने आगे सेट है। वेल, इस बात की कंफ्यूजन सिर्फ आप ही को नहीं है, इस कहानी की राइटर वेरोनिका रॉथ को इसके बारे में खुद ही नहीं मालूम। वेरोनिका रॉथ के हिसाब से उन्हें इस कहानी का एग्जैक्ट टाइम पीरियड डिसाइड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, जिसके कारण उन्होंने इस चीज पर ज्यादा फोकस ही नहीं किया और इसे सिर्फ और सिर्फ भविष्य की कहानी बता दी। मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, इस सीरीज की कहानी कितनी आगे की हो सकती है। डाइवर्जेंट की दूसरी मूवी यानी इंसर्जेंट को 3D में रिलीज किया गया था, और थर्ड मूवी भी 3D के अंदर ही रिलीज होने वाली थी, और इस मूवी के 3D में रिलीज होने से ऑडियंस की तरफ से कोई खास रिएक्शन नहीं मिला। यही कारण है कि थर्ड मूवी यानी एलिजेंट को बिना 3D के ही रिलीज किया गया। इस ट्रिलॉजी की तीसरी मूवी की कहानी थोड़ी ज्यादा बड़ी थी, जिसके कारण इसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, और एलिजेंट मूवी के आने के बाद एलिजेंट पार्ट 2 भी आने वाली थी, लेकिन जब ऑडियंस का रिएक्शन अच्छा नहीं मिला तो स्टूडियो ने चौथे मूवी को कैंसिल कर दिया, और चौथी मूवी को द असेंडेंट कहा जाता। इस मूवी को 2017 तक रिलीज किया जाना था, लेकिन बाद में इस पर एक टीवी सीरीज लाने का फैसला किया गया, और कुछ समय बाद वो भी प्लान कैंसिल हो गया, जिसके बाद से आज तक ये मूवी क्लिफहैंगर पर ही लटकी हुई है। अब चलिए बात करते हैं बुक्स और मूवीज के कुछ मेजर डिफरेंसेस के बारे में। भले ही मूवीज की कहानी बुक्स की तरह ही ट्रिस के इर्द गिर्द घूमती हो, पर इसमें बहुत सारे मेजर डिफरेंसेस भी हैं। बुक्स के अंदर 4 को 18 साल का बताया गया है, जबकि मूवीज के अंदर 4 की उम्र 24 साल है। वहीं पर मूवीज के अंदर जो मिस्टीरियस बॉक्स दिखाया जाता है, बुक्स के अंदर ऐसा कोई बॉक्स नहीं है, बजाय इसके सिर्फ एक हार्ड ड्राइव है, और उसमें क्या क्या है जेनिन को पहले ही मालूम होता है। वहीं पर बुक्स के अंदर ट्रिस को बंदूकों से डरते हुए भी दिखाया जाता है, जहां पर वो गन्स को चलाने के बाद बहुत गिल्टी भी महसूस करती है, लेकिन मूवीज के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है, और ये बात फैंस को भी उतनी अच्छी नहीं लगी थी। वहीं पर बुक्स के अंदर कोई भी फैक्शन लेस नहीं होता है, लेकिन मूवीज के अंदर कहानी को एक और लेयर देने के लिए इस चीज को इंक्लूड किया गया है। वहीं पर लास्ट में जेनिन को एवलिन मारती है, ना कि टोरी। मुझे मालूम है मूवीज और बुक्स में और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन मैं वो आपके लिए छोड़ता हूँ। मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इनके कितने डिफरेंसेस के बारे में मालूम है। अब चलिए बात करते हैं इन मूवी सीरीज के कुछ हाइलाइटेड अचीवमेंट्स के बारे में। ऑनेस्टली इन तीनों की तीनों मूवीज को क्रिटिक्स और ऑडियंस से मिला जुला ही रिस्पॉन्स मिला है, जिसके कारण इन मूवीज के नाम कोई बहुत बड़ा अवार्ड तो नहीं लगा है, पर हाँ, पहली मूवी में शैलिन वुडली को 2014 में MTV मूवी अवार्ड फॉर फेवरेट कैरेक्टर मिला। वहीं पर उन्हें इसी साल टीन्स चॉइस अवार्ड फॉर मूवी एक्ट्रेस भी मिला। वहीं पर थियो जेम्स और एंसेल एलगॉट को भी टीन्स चॉइस अवार्ड दिया गया, और तो और इसे 2014 में बेस्ट एक्शन एडवेंचर मूवी का टीन्स चॉइस अवार्ड मिला। वहीं पर शैलिन वुडली को फिर से इंसर्जेंट मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का टीन चॉइस अवार्ड मिला। साथ ही साथ थियो जेम्स और शैलिन वुडली को बेस्ट लिपलॉक किस का टीन चॉइस अवार्ड मिला, और इसके लिए भी अवार्ड मिलता है, मुझे आज पता चला। वहीं पर एक बार फिर से थर्ड मूवी के लिए बेस्ट मूवी एक्ट्रेस का शैलिन वुडली को टीन चॉइस अवार्ड दिया गया।
अगर बात करें फाइनेंशियली तो इस मूवी ने कुछ खास कमाल नहीं किया, क्योंकि जैसा पहली मूवी ने 85 मिलियन की टोटल बजट पर 288 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए थे, दूसरी मूवी ने 110 मिलियन डॉलर्स पर 279 मिलियन डॉलर्स कमाए थे, वहीं तीसरी मूवी ने 142 मिलियन डॉलर्स पर सिर्फ और सिर्फ 179 मिलियन डॉलर्स कमाए, जिसके कारण लॉयंसगेट ने इस फ्रेंचाइजी को ही बंद करने का फैसला किया। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द डाइवर्जेंट मूवीज फैक्ट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट बताइए कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। इन सब के अलावा अगर आपको इस मूवी सीरीज के बारे में कुछ और भी मालूम है तो हमें वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।